मैं कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हस्तिनापुर के वासियों, अब आपके समक्ष आ रहे हैं महाबाहु, पवन के वेग से गदा चलाने में निपुण विकोदर भीम। भीम कुंती, ये गर्जना कैसी? पुत्र भीम ने दुर्योधन की बनाई दरार को अपने बल से भर दिया है। अब आपके समक्ष आ रहे हैं वो जो खड़ग युद्ध में जिनकी कोई तुलना नहीं, तलवार और ढाल की भांति अटूट पांडुपुत्र नकुल और सहदेव। और सहदेव और अंत में हस्तिनापुर वासियों, स्वागत करें उस योद्धा का जिसके धनुष के प्रत्यंचा में मेघों की गर्जन है, जिसके बाणों में चक्रवात का वेग है, जिसके कौशल में इंद्र का तेज है। स्वागत करें पांडुपुत्र अर्जुन का। पांडुपुत्र अर्जुन का, पुत्र अर्जुन का।
दूसरा दर्शन प्रारंभ हो गया है पिताश्री, अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे देता ही अधीरथ, परंतु अपने कुल की सीमा भूल चुके एक मूर्ख को आज्ञा नहीं दूंगा। अब भी समय है कर्ण, क्षत्रियों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दो। जिनके बीच हम बैठ नहीं सकते उन्हें ललकारने का स्वप्न देखना बंद कर दो। यदि तुम वहां पर गए और कुछ कर बैठे तो क्या अनर्थ होगा उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते तुम। कुंती, सभी राजकुमार रंगभूमि में प्रवेश कर चुके हैं तो अब द्वंद्व प्रारंभ होगा ना? परंतु मैं इस विषय में ज्येष्ठ पिताश्री के मत का समर्थन करती हूँ। भाइयों में द्वंद्व नहीं होना चाहिए दीदी। द्वंद्व भाइयों में नहीं, सिंहासन के उत्तराधिकारियों में होगा कुंती। और ये आवश्यक भी है क्योंकि हस्तिनापुर का अधिकार है कि उसे सबसे बलशाली युवराज मिले। युवराज होने वाला राजा होता है गांधारी दीदी, उसे बलशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय, धर्मवान और शांत भी होना चाहिए। अब इसका निर्णय तो द्वंद्व करेगा, हमारी बातें नहीं। और अब राजकुमारों के बीच द्वंद्व होगा और जो राजकुमार इस स्पर्धा में सफल होगा उसे इस स्पर्धा का विजेता घोषित किया जाएगा। और यह द्वंद्व किस किस के मध्य होगा इसका चयन पासों के आधार पर होगा। पर तो ध्यान रहे राजकुमारों, यह प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। यदि किसी प्रतियोगी के प्रहार से किसी भी प्रतिद्वंदी का रक्त बहा दोषी क्षण उस राजकुमार को इस स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब कुरुवंश के ये 105 राजकुमार परस्पर द्वंद्व में अपना अपना कौशल दिखाएंगे और इनमें से चुने गए 5 योद्धा अगले चरण में द्वंद्व करेंगे। पासे फेंकिए गांधार राज। गुरुदेव,
ये एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है। दुर्योधन का प्रहार घातक से हो सकता था। हुआ तो नहीं ना भ्राताश्री, नियमानुसार यदि रक्त बहता तो मैं अयोग्य सिद्ध होता। दिखाइए कहां है रक्त। अब रंग भूमि में केवल 5 योद्धा शेष हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन और दुर्योधन। अंतिम चरण में इन सब में द्वंद्व होगा। अरे काका, आप अभी तक यहीं हो? सारा हस्तिनापुर रणभूमि में है, अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है और अर्जुन अपना कौशल्य दिखाने वाले हैं। हम कहीं नहीं गए। सुना नहीं कर्ण, भीतर जाओ। इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए। आगे राधा, पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा। उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। किस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया? उसे पानी से जाने दीजिए। आगे कोई कहीं नहीं जाएगा, भीतर चलो। यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया? आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी थी और उसका पालन भी किया, और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। जय बाबा। शेष बचे 5 राजकुमारों के बीच अंतिम चरण का युद्ध होगा। क्रमांक के आधार पर पहला क्रमांक मिलता है युधिष्ठिर को, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को, चौथा दुशासन को और 5वां भीम को। पासे फेंकिए गांधार राज। अब बताओ मेरे पासों, किस किस के बीच द्वंद होगा? क्रमांक 2 यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक 4 यानी राजकुमार दुशासन। ये लीजिए आचार।
कार्य हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते, ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु मैं अपने ज्येष्ठ दाता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं। जहां एक छोटी सी विजय के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां भाई भाई का ऐसा प्रेम, शताब्दियों तक ये भाई भाई का प्रेम स्मरण रहेगा। वाह! अरे देखो देखो, ये तो वही योद्धा है जो हमें कल मिला था। मुझे छोटा मित्र कहता है, इसने कल आकाश में इतना ऊंचा बाण चलाया, इतना ऊंचा बाण चलाया कि हम देख ही नहीं पाए। ये अवश्य स्पर्धा में भाग लेगा। मित्र, आप अवश्य विजय होंगे। वचन दीजिए हमें, आप विजय होंगे। इससे वचन पूर्ति की आशा मत करो बाली, क्योंकि अपने दिए वचन भूल जाने का रोग है इसे। मैं वचन देता हूं ऋषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी, मैं अवश्य आऊंगा। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेंगे। मुझे अपने सारे वचन स्मरण है, जो पूरे कर पाया वो भी, जो भी पूरे करने हैं वो भी स्मरण है। माटी से सना मेरी मित्र का वो मैला हाथ जो उसने मुझे नहीं सौंपा स्वयं मेरे लिए। मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। अच्छा, तो तुम अब तक जीवित हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। आपने वचन दिया था प्रातःकाल, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे
शांत नहीं बैठेंगे और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी।